क्लास फर्स्ट ईयर बायो क्लास में चैप्टर जैविक अणु में पिछली क्लास में हमने प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक एसिड ये बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण जैविक अणु हैं। इनके अणु प्रोटीन अणुओं से भी बड़े होते हैं और चूंकि ये आनुवंशिक पदार्थ हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। दो प्रकार की कैटेगरीज हैं न्यूक्लिक अम्ल में, जिनके बारे में आपको पहले से भी पता होगा। फर्स्ट है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम डीएनए। पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डीएनए और आरएनए वैसे तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों के बहुलक हैं। ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड अणु एक नाइट्रोजनी समाचार, एक पेंटोज शर्करा और एक फॉस्फेट समूह का यौगिक होता है। ये इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद रहते हैं। आरएनए में केवल एक और डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए अम्लों में या डीएनए अणुओं में जीवों की वृद्धि, जनन और आनुवंशिक प्रक्रियाओं की सूचना और उसके निर्देश अंकित होते हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए की पुनरावृत्ति कोशिका के विभाजन के साथ ही होती रहती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रकीय पदार्थ भी विभाजित हो जाता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सी राइबोस शर्करा, फॉस्फेट, दो प्यूरीन और दो पिरिमिडीन क्षारकों से निर्मित होता है। डीएनए के जो प्यूरीन क्षारक हैं, यानी दो प्रकार के क्षारकीय बेस हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो प्यूरीन के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजनी क्षारक एडिनीन और ग्वानीन, जबकि पिरिमिडीन के अंतर्गत आने वाले क्षारक थायमीन और साइटोसिन। इन चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों के अतिरिक्त कुछ जंतुओं और पौधों में अपवाद के रूप में कुछ अन्य क्षारक भी मिलते हैं, जैसे मिथाइल साइटोसिन, कुछ वायरस एवं बैक्टीरिया में मिथाइल एमिनो प्यूरीन और थायमीन क्षारक के स्थान पर हाइड्रोक्सी मिथाइल यूरेसिल कुछ जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। वाटसन और क्रिक की प्रस्तुत संरचना में डीएनए की संरचना में उसका क्रम निर्धारित करने के लिए जो
एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें दो प्रकार के शुगर फॉस्फेट संरचनाएं साथ में चार नाइट्रोजनी क्षारक मौजूद रहते हैं। इन संरचनाओं के बीच में प्यूरीन और पिरिमिडीन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं, जिसमें एडिनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। क्षीण हाइड्रोजन बंध हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होते क्योंकि कोशिका विभाजन के समय इन बॉन्ड्स को खुलना होता है। इनमें से प्यूरीन और पिरिमिडीन के समेकन से बनने वाली नाइट्रोजिनस पेयर जोड़ियों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। एक सामान्य डीएनए में 10 नाइट्रोजनी समाचार जोड़ियां मौजूद होती हैं। यदि 11 और 12 होती हैं तो बी डीएनए और जेड डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। 10 नाइट्रोजनी समाचार जोड़ियों में उसकी कुल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। यदि उसके स्ट्रक्चर को देखें जो कि ऑलरेडी इस प्रकार का है, तो आप पाएंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। यदि इसे इसके ग्रुप में बांट दिया जाए तो वन साइडेड डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। जिस ग्रुप की लचक कम होती है उसे माइनर ग्रुप कहते हैं और जो ज्यादा घुमा हुआ होता है उसे मेजर ग्रुप कहा जाता है। इनके बीच में नाइट्रोजनी समाचार इस तरीके से अपने अवयवों द्वारा बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। तो इनके प्रत्येक अवयव के बीच की डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक डीएनए सूत्र में ऐसे 10 डिस्टेंस होते हैं तो उसकी लंबाई हो जाती है 34। किसी प्रकार जब आरएनए स्ट्रक्चर बनता है तो एक सिंगल स्ट्रैंड की मौजूदगी होती है। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आमतौर पर एक रज्जुकी होते हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। चार नाइट्रोजनी समाचारों की उपस्थिति है लेकिन एक नाइट्रोजनी समाचार दूसरे से भिन्न रहता है। पिरिमिडीन क्षारक थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल बेस की उपस्थिति है। आरएनए मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम प्रोटीन संश्लेषण के समय आवश्यक सूचनाओं को ट्रांसफर करना, राइबोसोमल आरएनए का काम राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ कराना और ट्रांसफर आरएनए का काम प्रतिलिपि या अनुलिपिकरण के होने के समय आवश्यक सूचनाओं को एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड तक पहुंचाना। तो चूंकि इसका रिटेन वर्क आप कर चुके हैं तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को इसी प्रकार से समझा जाएगा।